मेरा नाम साजिदा है और चित्तौड़ जिला कस्बे से छोटा सा गांव है सावा, वहां के हम रहने वाले हैं। और वहां जब हमारे कट्स से जुड़े हुए थे, फिर हमारे एक नई रोशनी की 6 दिन की मीटिंग के लिए बोला और यहां रख रहे हैं, तो हमने कहा रखो आप। और महिलाएं इकट्ठी हुई, हमारे यहां 3-4 ग्रुप चले और बहुत सारे सर आए, अलग अलग तरह के आए, वो जो हर उनका सिखाने का तरीका सबका अलग था। और हमें मतलब हम लेडीज़ एक ऐसी थी जो हमें कुछ नहीं आता था, और उन्होंने हमें हर चीज़ के बारे में बताया, बाल शिक्षा के बारे में और अपने आप के अधिकारों से लड़ने के लिए और ये सरकारी योजनाओं से, सरकारी योजनाओं के बारे में बताया, और जैसे विकलांगों के लिए क्या सुविधा है वो बताया। आज हम जैसे साफ सफाइयों में नहीं रहते थे तो वो बताया कैसे रहते हैं, कैसे बीमारी वगैरह, स्वास्थ्य के लिए बताया। जैसे स्वास्थ्य के लिए बताया तो आप खाने में क्या खाना चाहिए, तो जैसे महिला होती है रात का ठंडा बासी खा लेती है और अपने बच्चों को और हस्बैंड को अच्छा खिला देती है, तो उससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो सर ने बताया नहीं, आप गरीब हो, अपन नहीं चाह सकते हैं कि अपन हर टाइम अपन फल फ्रूट ला के खाएँ, लेकिन जो अपने मतलब सीजन में आता है, टमाटर आता है तो टमाटर खाओ, गाजर आती है तो गाजर खाओ, जैसे मतलब आप खा कर अपना व्यवसाय पूरा कर सकते हो। आपके अंदर हल्दी की कमी है तो आप आटे में हल्दी मिला के पीला खाना खा सकते हैं। इस तरीके से हमें हमारे स्वस्थ रहने का भी हमें बताया, वरना हमें ये पता नहीं था कि महिला हम मतलब आधे में बीमार हो जाना, उनका परेशान होना पड़ता था। और शिक्षा के तो लड़कियाँ को मतलब ऐसे ऐसे छोटी छोटी लड़कियाँ थी 12 साल की, 15 साल की, उनको घर बिठा के और बिठाए रखते थे। तो हमें सर ने बोला कि ये आप बाल शिक्षा पे ऐसा होता है, लड़कियों को आप बताओ, स्कूल में पूछाओ। तो हमने उनको घर जाके बताया कि नहीं, अभी है ना जैसे छात्रवृत्ति चल रही है, बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, आपको ड्रेसें मिलेगी। फिर उनको हमने घर जाके और उनको हमने बताया, उनको फिर शिक्षा से जोड़ा उनको हमने, और अब भी सरकारी योजनाओं से जुड़वाया हमने उनको। बहुत सारी महिला को श्रमिक कार्ड बनवाए, आधार कार्ड बनवाए, विकलांगों के लिए पेंशन चालू करवाई, यूनिक कार्ड बनवाए हमने। तो मतलब इस सारी जानकारियों से मतलब अनजान थे, एक गांव ऐसा था हमारा कि वो कुछ नहीं जानता था। तो आज हम यहाँ से जैसे चित्तौड़ में ये रावला चौक में एक मतलब कार्ड्स का एक ऑफिस है, वहाँ हमें हर 15 तारीख से 15 तारीख मीटिंग में बुलाते और हमें सारी योजनाओं से हमें जुड़ाते और बताते कि आपको कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर हम यहाँ से समझ के जाते और फिर हम सावा में बताते। और आज हमारे सावा में ये है कि महिलाएं किसी भी चीज़ से पीछे नहीं है, सब आगे रहे कि किससे बात करना, ऑफिस में कैसे बात करते हैं, किससे कैसे बात करते हैं। मतलब हमें बात करने का भी तरीका नहीं आता था, हमने यहाँ कट्स के ऑफिस में आके और हमने ये सब कुछ सीखा। मतलब पहले हम एक ऐसे थे कि किसी से बात करने में भी हमें हिचक होती थी कि हम कैसे बात करें, डरते थे कि हम खड़े रह के इनसे कैसे बात करेंगे। कई हम 4 जेंट्स भी खड़े रहते हैं तो हमें यूँ लगता है कि नहीं, अब हम तो इनके हम गली में से बाहर भी नहीं निकलते। और आज ये है कि 100 जेंट्स भी खड़े रह सकते हैं तो हम हजारों इंसानों में जाके बात अच्छे ढंग से कर सकते हैं, और इतना खुले तो हैं और थोड़ा थोड़ा आगे और खुलेंगे हम। और आज हम बैंक में जा सकते हैं, हॉस्पिटलों में जा सकते हैं, स्कूल में जाके टीचर से, प्रिंसिपल से अच्छे ढंग से बात कर सकते हैं, मतलब अपनी हित की लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। आज हमारे बैंक में अभी हमारे लोन की चल रही है प्रक्रिया, तो बहुत से अधिकारी कहते हैं हाँ हो जाएगा, और बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो ऑफिस में जाते हैं तो आज नहीं कल आना, कल नहीं आना, तो उनसे हम बात करते हैं कि नहीं सर हम ऐसे कैसे हम आज नहीं आके कल आए, हम आप तो हमारा काम करो, ऐसे नहीं हम समझने लग गए हैं कि नहीं आप तो ये फॉर्म दो, हम इसे भर के ऐसे दे देंगे। मतलब आज हम इतने खुले हो गए हैं कि मतलब, और हम 10 के बीच में खड़े रह के हम अपनी बात सारी कर सकते हैं, और अब आज हम कहीं पे भी घर से हमारा पर्स लेके बाहर निकल सकते हैं। हम नई रोशनी से बहुत फ़ायदे हुए हैं हमें, और आज हमें जीना सिखाया नई रोशनी ने कि हमारे घर में हम कैसे जी सकते हैं, बाहर कैसे जी सकते हैं। नई रोशनी से हमें खुशियाँ मिल गई हैं, मतलब ये समझ लेना। और कर्ज का हम आभार हैं, व्यक्त करते हैं कि हम आज कर्ज ने हमें जीना सिखाया है कि आज लेडीज़ को मतलब उसकी अपनी खुद की पहचान बताइए कर्ज ने कि आप भी कुछ हो और आप कुछ कर सकते हो।